वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जी एस विद आंसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का टॉप 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मानव शरीर में वृक्क द्वारा किया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो कार्य मानव शरीर में वृक्क द्वारा किया जाता है वह कार्य है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी कोने या छिद्र में प्रवेश करता है तो उसका झुकाव डैश के कारण होता है। जब प्रकाश किसी कोने या छिद्र में प्रवेश करता है तो उसका झुकाव विवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका के बढ़ने का कारण क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। रेगिस्तान में मरीचिका के बढ़ने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आवरण सबसे कमजोर प्रकृति के होते हैं? तो दोस्तों वह आवरण हो जाएगा हाइड्रोजन आवरण, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन आवरण सबसे कमजोर प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है? तो दोस्तों वह अंग है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कोशिकाएं मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जारी होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा घटक मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? तो दोस्तों वह घटक है निकोटीन, ऑप्शन नंबर बी। तंबाकू में निकोटीन घटक मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है? पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बीओडी का पूर्ण रूप है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृपिका मानव शरीर की निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित है? तो दोस्तों कृपिका मानव शरीर की श्वसन प्रणाली से संबंधित है। कृपिका फेफड़ों में पाया गया छिद्र है जो वेंटिलेशन की मूल इकाई है। यह छिद्र विशेष रूप से स्तनधारियों में पाए जाते हैं और गैसों का आदान प्रदान करने के लिए कार्यस्थल हैं। अगला प्रश्न है, टिड्डी तितली बिच्छू और झींगा सभी किस फाइलम के उदाहरण हैं? टिड्डी तितली बिच्छू और झींगा यह सभी ऑर्थोपोडा फाइलम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना परसेंट पानी से घिरा हुआ है? पृथ्वी की सतह का 70-80% भाग पानी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक वस्तु का एक समान डैश के साथ एक वृत्तीय पथ में चलती है तो इसकी चाल को एक समान वृत्तीय चाल कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति।
यदि एक वस्तु एक समान गति के साथ एक वृत्तीय पथ में चलती है तो इसकी चाल को एक समान वृत्तीय चाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका और बेकिंग सोडा एक साथ डैश उत्पन्न करते हैं। सिरका और बेकिंग सोडा एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब डैश है। दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सोडियम की खोज किसने की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सोडियम की खोज की गई थी हम्पी डेवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दुधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक मौजूद होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मौजूद होता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मानव में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि लैरिंग्स यानी कि गला द्वारा उत्पन्न होती है। थैंक यू।